भलोटिया मार्केट जो कि गोरखपुर का सबसे बड़ा दवा का मार्केट है, ये खुद ही बीमार होता जा रहा है। यहाँ पर जलजमाव की ये स्थिति है कि यहाँ के व्यवसायियों को आज सड़क पे उतरना पड़ा। सड़क जाम होने पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता संघ के महामंत्री आलोक चौरसिया ने और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, पानी माफ़ देता हूँ। प्रतिदिन जो है बिजली की
पालिकाएं खाली करके जाती है, एक घंटे बाद वो आए 10 बुजुर्ग इसमें गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती है। लेकिन रोज साफ होती है, रोज पानी अभी थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई है। टेलीफोन वाले में हुआ है, आपने हम लोग बैठक भी कराई थी, जो दिन निकल रहा है टेलीफोन वाले के वहाँ जान हुआ है, आपने नगर प्रशासन जिला प्रशासन की बैठक भी कराई थी, राजीव रौतेला जी को भी दिया था, कमिश्नर साहब को दिया था, पाइप जो है बहुत छोटी पत्ती पाइप, तो पाइप जो भी समाधान है पाइप कोई बदलने देगा तभी तो होगा। क्यों नहीं मामला यहाँ कई वर्षों से लंबित है, बलोडिया में पूर्वांचल के सबसे बड़े दवा मंडी होते हुए सबसे ज्यादा अपेक्षित है। सबसे बड़ा दुखद कारण तो ये भी है कि नगर निगम सामने होते हुए किसी अधिकारी गण की निगाह हमारे बलोडिया मार्केट पर पड़ता नहीं है। आज यहाँ पे देख ले जल जमाव की स्थिति ये है, जाकर दुकान के अंदरों तक पानी जा रहा है। इसकी लड़ाई हम लोग विगत कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी के अधिकारी की जरूरत नहीं रहती। आज देख लीजिए यहाँ पे 30 वर्षों से अधिक हो गया जहाँ पे एक विद्युत तार बदले नहीं है, तारों का जखीरा इतना ज्यादा है कि किसी दिन में कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम हो सकता है। पानी अंदर जा रही है, जर्जर सड़क है, कहीं भी लैंप पोस्ट पे कहीं लाइट नहीं है, दो एक लैंप पोस्ट जलता है, इतनी बड़ी मंडी में एक सिग्नल तक नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है, रोज आए दिन पानी गिरता है जिससे व्यवसाय तो प्रभावित होता ही है। आपका प्रदर्शन किसके खिलाफ और क्या किए हैं आज आप? हमने नगर निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन है, कारण है क्योंकि उत्तरदायी संस्था वही है जिसको ये कार्य सबको सुचारू रूप से हल कराना है, इसे नगर निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और आज मजदूरी को खुशी से नहीं बल्कि मजदूरी में बात होकर हमें मंडी बंद करना पड़ा है, और अगर यही हाल अगर मंडी के अंदर हमें घुसी नहीं पाएगा तो व्यवसाय क्या होगा, और जब व्यवसाय नहीं होगा तो फिर जाहिर से बात है जाकर फिर अनिश्चितकालीन बंदी के लिए हम जाने के लिए बाधे होंगे। रास्ता भी जाम हम किया, रास्ता जाम देते तो नहीं, हम यहाँ पे अपना एक प्रतीकात्मक उस पर बैठे हुए हैं जिससे एक संदेश जाए, हमें आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, उनके सुचारू जीवन में हमें कोई हस्तक्षेप करना नहीं है, हमें केवल इतना मतलब है कि हमारा कार्य संपन्न होना चाहिए, हम व्यवसाय को भी एक सम्मानजनक तरीके से अपना व्यवसाय करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बलोडिया मार्केट है जहाँ पे दवा व्यवसायी, जहाँ पे बगल में जो सुबह होटल बना है, सुबह होटल का पानी जो है जिस समय अचानक बहुत ज़्यादा आता है तो ये पानी बलोडिया मार्केट में मरकर के मरने लगता है। यहाँ पे 6 इंच की पाइप लाइन है, उस पाइप लाइन में होटल का पूरा पानी नहीं जा पाता है, तो व्यापार मंडल के मांग से जो है पूरी पाइप लाइन को हम बदलने जा रहे हैं, 6 इंच पाइप लाइन की जगह वहाँ 1.5 फीट मोदी पाइप लाइन डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे जो सीवर जा रहा है उसमें प्लास्टिक भर जाने की वजह से सीवर चौक हो गया है, तो उसको भी जो है वैक्यूम स्वीपिंग मशीन से जो है उसको भी खुलवाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटों के अंदर हमें स्थिति सामान्य है। तुरंत वहाँ यहाँ पे एक्चुअली जो सीवर लाइन पड़ी है वो 6 इंच की पड़ी हुई है और यहाँ 40 साल पहले से पड़ी है, और आपस में मार्केट का, बलोडिया मार्केट का और बगल में सिवाय होटल वालों का आपस में विवाद की वजह से यहाँ पे वो नई लाइन पड़ने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आज ये तय हुआ है कि यहाँ पे नई लाइन डाल दी जाएगी, तो यहाँ पे हम 2 घंटे के अंदर ही काम चालू कराने जा रहे हैं। तुरंत